नमस्कार, कविता की थाली में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं बच्चों की मनपसंद ऐसी रेसिपी जिसका नाम है स्ट्रॉबेरी जेली और कस्टर्ड पुडिंग। तो आइए देखते हैं इस आसान सी रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन सारी चीजों की आवश्यकता है। इंस्टेंट जेली कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 से 3 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। इसके एजेस हम लोग कट कर देंगे। इस तरह से मैंने ब्रेड के सारे स्लाइसेस कट कर लिए हैं। अब इसको हम लोग एक सर्विंग कैसरोल में सेट कर देंगे। यहाँ पे मैंने हर्शीज का एक शुगर सिरप लिया है जो कैरामल फ्लेवर है। आप चाहे तो घर में भी कैरामल बना सकते हैं। इस तरह से मैंने कैसरोल में शुगर सिरप डाल दिया है। इसके ऊपर हम लोग ब्रेड के स्लाइस को सेट कर देंगे। ब्रेड के स्लाइस कैसरोल में सेट कर दिए हैं। अब फिर से इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा शुगर सिरप डालेंगे। आप चाहे तो चॉकलेट सिरप भी डाल सकते हैं। इस तरह से मैंने शुगर सिरप ब्रेड के ऊपर डाल दिया है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा साइड में रख देते हैं। यहाँ पे मैंने 1/2 लीटर दूध लिया है। इसको हम लोग थोड़ा सा बॉईल कर लेंगे। दूध यहाँ पे गर्म हो रहा है। इसके अंदर हम लोग डालेंगे 4 टेबलस्पून शुगर। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। शुगर को यहाँ पे हमें मेल्ट होने देना है। जब तक यहाँ पे दूध बॉईल हो रहा है तब तक हम लोग कस्टर्ड पाउडर को दूध में मिला लेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ठंडा दूध लिया है। इसके अंदर हम लोग कस्टर्ड पाउडर को डाल के एक अच्छी सी पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप जितना कस्टर्ड पाउडर लिया है उसको हम लोग दूध में डाल देते हैं। याद रखें कि दूध यहाँ पे ठंडा ही चाहिए, वार्म या गर्म दूध हमें नहीं चाहिए, नहीं तो कस्टर्ड की गुठलियां होने के चांसेस है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कस्टर्ड यहाँ पे दूध में अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम लोग उबलते हुए दूध में डाल देते हैं। दूध यहाँ पे अच्छी तरह से उबल रहा है। अभी थोड़ा थोड़ा करते हुए हम लोग कस्टर्ड को इसमें ऐड कर देते हैं। गैस की फ्लेम धीमी रखें और लगातार इसे चलाएं। कस्टर्ड बहुत जल्दी ही गाढ़ा हो जाता है। इसको गाढ़ा होने तक ही हमें पकाना है। इसे लगातार हम लोग चलाएंगे ताकि नीचे तले में ना लगे और इसकी गुठलियां ना बने। बस सिर्फ 1 मिनट हमें इसे पकाना है। आप देख रहे हैं कस्टर्ड यहाँ पे गाढ़ा हो रहा है। कस्टर्ड बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे गाढ़ा हो चुका है। अब हम लोग गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ब्रेड के स्लाइसेस के ऊपर डाल के सेट होने के लिए रख देंगे। बस हमें ज्यादा इसे गाढ़ा नहीं बनाना है, ऐसी ही पोरिंग कंसिस्टेंसी चाहिए। आइए अब हम लोग इसे निकाल लेते हैं। ठंडा होने से पहले हम लोग इसे सारे ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। एक दो बार इसे टैप कर देंगे। कस्टर्ड यहाँ पे अच्छी तरह से स्प्रेड हो चुका है। अब हम लोग इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम लोग इसे रेफ्रिजरेटर में सेट होने के लिए रख देंगे। कस्टर्ड यहाँ पे ठंडा हो चुका है। अब हम लोग इसे ढककर 2 से 3 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में सेट होने के लिए रख देंगे। जेली बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है। इस पैन में मैं 3 कप पानी डालूंगी। और पानी को यहाँ पे उबलने देंगे। यहाँ पे मैंने एक सर्विंग बाउल लिया है। इसके अंदर हम लोग स्ट्रॉबेरी जेली मिक्स को डाल देंगे। स्ट्रॉबेरी जेली मिक्स का एक फुल बॉक्स मैंने यहाँ पे यूज किया है। इसी के साथ हम लोग ऐड करेंगे प्री मिक्स यानी जिसमें शुगर पाउडर है। अब दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस मिक्सर में हम लोग डालेंगे 1 कप पानी। 3 कप पानी हम लोग ने बॉइल करने के लिए रखा है और इसमें 1 कप पानी, टोटल 4 कप पानी में हम लोग 1 बॉक्स पूरा स्ट्रॉबेरी जेली का बना रहे हैं। पाउडर यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। आइए इसे हम लोग अब बॉइलिंग वाटर में डाल देते हैं।
पानी यहाँ पे थोड़ा सा गर्म हो चुका है, इसी पानी में हम लोग स्ट्रॉबेरी मिक्स को डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और एक बॉईल आने तक इसे पका लेंगे। जली में यहाँ पे एक बॉईल आ रहा है। अब हम लोग गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे एक 10 मिनट तक ठंडा होने देंगे और फिर इमिडिएटली हम लोग इसको कस्टर्ड के ऊपर डाल देंगे। कस्टर्ड को सेट होते हुए 2 घंटे हो चुके हैं। कस्टर्ड यहाँ पे अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे जेली को। और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और बाद में रेफ्रिजरेटर में सेट होने के लिए रख देंगे। थोड़ा सा जेली मिक्स का लिक्विड हमारा यहाँ पे बचा है तो हम लोग इन कप्स में जमा कर देंगे। ये सिलिकॉन मोल्ड वाले कप्स है, इसके अंदर जेली बहुत अच्छी तरह से जम जाती है और सर्व करने के लिए भी बहुत ही सुंदर दिखती है। इनको भी हम लोग थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और फिर रेफ्रिजरेटर में सेट होने के लिए रख देंगे और 1 घंटे के बाद हम लोग इनको निकाल लेंगे। कस्टर्ड जेली पुडिंग को रखे हुए 2 घंटे हो चुके हैं। हमने अभी उसको रेफ्रिजरेटर से निकाल दिया है। आइए देखते हैं हमारी कस्टर्ड कैसी बनी है। बहुत ही बढ़िया सा कलर आया है, आप देख रहे हैं स्ट्रॉबेरी जेली बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। आइए अब हम लोग इसे कट कर लेते हैं। धीरे से हम लोग इसे कट कर लेंगे। एक चाकू की सहायता से मैं इसे कट कर रही हूँ। स्क्वायर पीसेस हम लोग इसके कर लेंगे। यहाँ पे बहुत ही आसानी से पीसेस कट हो रहे हैं, आप देख रहे हैं। अब बहुत ही हल्के हाथों से हम लोग इसे उठाएंगे और सर्विंग बाउल में डाल देंगे। बहुत ही धीरे से हम लोग को इसको उठाना है। बहुत ही सुंदर ऐसा जेली कस्टर्ड यहाँ पे दिख रहा है। इसे हम लोग एक प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ही प्यारा ऐसा स्ट्रॉबेरी जेली कस्टर्ड पुडिंग यहाँ पे तैयार हो चुका है, आप देख रहे हैं। बहुत ही स्वादिष्ट ऐसी जेली कस्टर्ड पुडिंग यहाँ पे खाने के लिए तैयार है। आप भी इसे जरूर बनाएं और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करें। अगर आपको आज की मेरी यह रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ऐसी ही एक और मजेदार रेसिपी के साथ मैं कविता की थाली में फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए हंसते रहे और खाते रहे। धन्यवाद।